करते हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं अमित त्यागी जी। मुरादनगर की राजनीति तो आप बिल्कुल साफ तौर से जानते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि त्यागी समाज को लेके, क्योंकि विधायक भी वहाँ पर जो मौजूद पिछली बार रहे हैं वो अजीत पाल त्यागी रहे हैं, क्या लगता है कि त्यागी समाज को लेके इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले बात आपसे पहले भी एक प्रश्न उठा था समाज का, तब भी हमने एक बात कहा था कि यह चुनाव अब की बार ना किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या हिंदुस्तान पाकिस्तान के आधार पर यह चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यह चुनाव लड़ा जाएगा तो सिर्फ मुद्दों के आधार पर, किसान के आधार पर, बेरोज़गारी और कोरोना में जो लाखों मौतें हुई हैं उनके आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ सरकार की चरमराई, इतने देहात में इतने लोग हताहत हुए, उन मुद्दों को ध्यान में रख करके चुनाव लड़ा जाएगा। इस चुनाव में जाति मजहब नहीं चलेगा। और अभी आपने जैसा कहा कि टिकट की बात थी, टिकट के दावेदार थे लोग, तो आपको बताना चाहूँगा कि टिकट का डिक्लेरेशन होने से पहले, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, पार्टी में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की राजनीति करता है, कोई संगठन की राजनीति करता है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन जिस दिन नेता ने डिसाइड कर लिया कि हम, मैंने इस व्यक्ति को सिंबल दिया है और ये क्षेत्र में जा करके चुनाव लड़ेगा या विधानसभा लड़ेगा या लोकसभा लड़ेगा, तो मैं मानता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता उस नेता में, उस नेता के नाम से ना जानते हुए उसको अपने राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर, उसके जयंत चौधरी के तौर पर उसको मानते हुए एक एक वोट दिलाने का काम करेगा और एक एक वोट दिला करके भारी मतों से जिताने का काम करेगा। तो गठबंधन की मौजूदगी आप कितना है मुरादनगर विधानसभा में देखी जाए तो? गठबंधन की अगर कहीं मौजूदगी है तो सबसे ज़्यादा है मुरादनगर विधानसभा में। सबसे मजबूत अगर कहीं गठबंधन है तो मुरादनगर विधानसभा में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस गठबंधन को, और मैं सोचता हूँ कि माननीय जयंत चौधरी जी ने एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हमारे बीच में उतारा है, साफ छवि के प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक का पुराना अनुभव है। तो आपका पूरा साथ रहेगा? पूरा साथ, पूरी पार्टी का, दोनों पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जो प्रत्याशी उतारा है, हम उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि देखते हुए पूरा साथ देंगे, धन मन और धन से। तो ये थे हमारे साथ अमित त्यागी जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया कि उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक जगह है और कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलक, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाज़ियाबाद।